कल्याण महिला शिक्षिकाओं के कल्याण हेतु समर्पित है और ये ऐसा संगठन है जिसे हम संगठन कम परिवार अधिक मानते हैं। इसकी संयोजिका श्रीमती सुनीता भाटी जी ने पूरे संगठन को एक परिवार की तरह बांध कर रखा है और समय समय पर जो भी विभागीय आदेश होते हैं उनको प्रसारित करना, जो भी शिक्षक की समस्याएं होती हैं जो इन तक पहुंचती हैं उनका समाधान करना और सभी को अपने साथ जोड़े रखने का कार्य बखूबी इस संगठन के द्वारा हो रहा है और हम सभी शिक्षिकाएं इस संगठन से में सम्मिलित होकर बहुत अधिक गौरवान्वित महसूस करते हैं और आशा करते हैं आगे भी ये संगठन इसी प्रकार समर्पित होकर सभी बहनों का कार्य इसी प्रकार करता रहेगा। शिक्षिका सेना के स्थापना दिवस पर मैं प्रदेश संयोजिका श्रीमती सुनीता भाटी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। 8 मई 2016 को शिक्षिका सेना की स्थापना श्रीमान विजय सोनी जी के द्वारा हुई थी। उन्होंने इस संघ की स्थापना महिलाओं के कल्याण, जो शिक्षिकाएं हैं उनके कल्याण एवं उनके उत्थान के लिए किया। जो भी शिक्षिकाओं को समस्या आती है उनका तुरंत समाधान किया जाता है और इस परिवार का हिस्सा बनकर मैं गौरवान्वित हूँ। मंजू चनानी, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कृष्णगढ़। आज 8 मई 2019 हम सब लोग यहाँ पे हमारे नागर कृष्ण शिक्षिका सेना का जो स्थापना दिवस है वो मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संयोजिका श्रीमती सुनीता भाटी मैम है और इसकी परिकल्पना श्री विजय सोनी सर ने, जो कि राधा कृष्ण शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। महिलाओं को एक ठोस प्रतिनिधित्व देने के लिए इसकी परिकल्पना उन्होंने की और उसको अमली जामा पहनाने की आपने अभी कठोर कोशिश की और उसमें सुनीता भाटी मैम ने उनका बिल्कुल तन मन धन से सहयोग किया और आज शिक्षिका सेना इस मुकाम पर है कि महिला शिक्षिकाओं को कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था, उनको इधर उधर घूमना पड़ता था अपने कामों के लिए और आज हम एक फोन करते हैं और शिक्षिका सेना के द्वारा हमारे कार्यों का समाधान, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आज मैं शिक्षिका सेना की संयोजिका श्रीमती सुनीता भाटी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और हम सबको भी बधाई देना चाहूँगी कि हम इतने अच्छे काम से जुड़े हुए हैं जो कि हमारा संघ नहीं है, हमारा परिवार है और हमें यह परिवार के समान ही रेस्पॉन्स दिया जाता है और बहुत ही अच्छे कार्य इस संघ के द्वारा किए जा रहे हैं और मैं चाहूँगी कि अधिक से अधिक महिला शिक्षिकाएँ हमारे संघ के साथ जुड़ें और इसको परिवार को एक बड़ा विशाल वट वृक्ष बनाने की तरफ कार्य करें।